बहुत स्वागत है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी है क्योंकि थर्सडे को है छुट्टी 26 जनवरी रिपब्लिक डे की। और आज भी ऑप्शंस फॉर टुमारो के जितने भी कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट्स सबने काफी अच्छे प्रॉफिट्स किए हैं। आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस जिसने भी प्रॉफिट्स किए हैं। जिन लोगों को भी लॉस हुआ है आप लोग प्लीज अभी और ध्यान दीजिए नॉलेज पर। और ट्रेडिंग अलॉट का जो हमारा सेशन शुरू हुआ है, जो हमने एक नया चैनल शुरू किया है ट्रेडिंग अलॉट का, जिसमें ऑलरेडी 4000 प्लस सब्सक्राइब लोग कर चुके हैं चैनल को। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस चैनल का। इस चैनल पर हमारा कॉन्सेप्ट आप सभी लोग जानते हैं कि एक लॉट में ही ट्रेड करके मैं इस पर वीडियोस बनाता हूं और भी नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं। जैसे ज़िरोधा पर पूरी एक मास्टर क्लास वीडियो इस पर आने वाली है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और आज का जो ट्रेड रहा, एक लॉट में मैंने ट्रेड किया, 357 का प्रॉफिट हुआ है, वो वीडियो भी मैंने डाल दी है। और क्यों ट्रेड किया, क्या लॉजिक था, वो सब कुछ सीखना चाहते इस वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप बिगिनर हैं, एक लॉट में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, पहली वीडियो जरूर देखे जाके, हाउ टू टेक फर्स्ट ट्रेड, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजों सीखने के लिए। सेकंड वीडियो, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब हम एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो कौन से ऐसे 7 पॉइंट हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है, वो वीडियो, ये सारी वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बाकी कॉम्बो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, काफी डिटेल में सारी चीजें सीखना, बिगनर से लेके स्ट्रेटजिस्ट तक, ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट सब कुछ है इस कोर्स में, सिर्फ 299 में। ये काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोगों को हेल्प हो रही है, जैसे कि आप देखते हैं टेलीग्राम में मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं। ये सब उन्हीं स्टूडेंट्स के हैं, मैं किसी को कोई टिप्स नहीं देता हूं। तो ये वो ट्रेड करते हैं उनको नॉलेज के बिहाफ पे, खुद इंडिपेंडेंट खुद अपने ट्रेड करते हैं, स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करते हैं प्रॉफिट्स के, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं। और ये कैसे ज्वाइन करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल मेथड से, लेकिन आप डाउनलोड करके मोबाइल में और लैपटॉप में हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं, जिससे कि रिपीट करके बार बार देख सकें। तो ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिंपल कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पर क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म फिल करके पे करके डाउनलोड कर सकते हैं पूरी फाइल, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी ने काम किया उल्टा, जैसा कल हमने देखा था कल के मार्केट में, कि ऑप्शन चेन हमको बुलिश दिखा रहा था, मार्केट ने बुलिश मोमेंटम लिया, धीरे धीरे ऑप्शन चेन अपडेट हुआ, कॉल राइटर्स बढ़ते चले गए, मार्केट ने लिया फॉल। सेम सिनेरियो आज भी दिखाई दिया। जब मैंने सुबह ऑप्शन चेन की वीडियो आपको दी थी, जब हमने सुबह ऑप्शन चेन की वीडियो पब्लिश की थी, तब हमको सपोर्ट्स ज्यादा दिख रहे थे। हालांकि उसके अगले 20-25 मिनट बाद ही मैंने ट्रेड लिया था, जो मैं ये आप ट्रेडिंग अलॉट का जो ट्रेड वाली वीडियो मैंने आपको ली थी मॉर्निंग में ली थी, और वहां कहानी बदल चुकी थी। आप इस वीडियो में देखेंगे, मैंने आपको वहां ऑप्शन चेन दिखाया भी है इस वीडियो में, कि आप देखिए कहानी बदल चुकी है, कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, मार्केट बियरिश हो सकती है क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट बुलिश थी। लेकिन फिर भी एक रेंज हमने निफ्टी में निकालने की कोशिश की थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा कि मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि कैसे हम सुबह ऑप्शन चेन की वीडियो करते हैं। तो इस चैनल को ऑप्शन फॉर टुमारो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सुबह ये मॉर्निंग वीडियो आपसे मिस ना हो, और आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे सुबह वीडियो पब्लिश होगी आप तक पहुंचाएगी। एक बार सुन लेते हैं क्या हुआ, फिर आगे बात करते हैं। तो मेंस मेजरली चांसेस हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा 18,200-18,100 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे उनके ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग की तरफ ज्यादा होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार रेजिस्टेंस बने हुए। तो फिलहाल अभी मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट आपको हो सकता है फिलहाल 18,100 से लेके 250 तक कहीं मूव करती हुई दिख सकती है। अगेन 150 पॉइंट्स मींस 100 से लेके 250, तो 18,100 से लेके 250 के बीच में कहीं हम देख रहे थे कि मार्केट मूव कर सकती है। मार्केट का मूवमेंट आज आपको 180-90 के आसपास ऊपर और नीचे आपको 18,085 के आस तक आसपास दिखी। तो ऑलमोस्ट यस 100 से लेके ऑलमोस्ट 150 से लेके 200 पॉइंट्स के बीच में ही मूवमेंट रहा। मींस अगर हम 18,100 देखें तो ये लेवल आपका 18,100 का है, 18,150 देखें तो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल हमारा 18,150 का है। मार्केट ऑलमोस्ट इसी लेवल में रही, स्टार्टिंग में बुलिश थी, बुलिश चेंज हुआ यहाँ से और मार्केट ने पूरा गेम बदल दिया। और ट्रेडिंग अलॉट वाले कॉन्सेप्ट से जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया है, जहाँ पर देखिए आप RSI 22 चला गया था 25 से नीचे, यहाँ में कॉल लेनी थी, जिसने भी ये प्रॉफिट किया प्लीज कमेंट करके जो बताइएगा ये स्ट्रेटजी कहाँ है। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया इस वीडियो में है, हाउ टू टेक फर्स्ट ट्रेड, इसमें मैंने दो स्ट्रेटजीज बताई हैं, जिसमें से एक ये स्ट्रेटजी है RSI 75-25 वाली, वो जाके जरूर देखिए, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो प्लीज देखिए। और ये ट्रेड एक बनता था काफी अच्छा। और दूसरी जो उसमें स्ट्रेटजी बताई है, उस हिसाब से अगर आप ट्रेड देखें तो यहां पर आपको ट्रेड बनता हुआ नजर आया, जिसने एक अच्छा प्रॉफिट दिया। हालांकि हमने 25-30 पॉइंट ही कवर करने को बोला है उसमें, और ये बहुत अच्छा एक प्रॉफिट हमें दिखा यहाँ पे। 18,100 पे सपोर्ट था और मार्केट ने सपोर्ट लिया भी। फिर से देखिए वही सेम चीज, हम 18,100 यहाँ देख रहे थे, मार्केट ने 18,845 तक मार्केट गई 15 पॉइंट नीचे एसेलेट करने के लिए। सेम चीज कल जब हमने लॉस किया था, लॉस वाली वीडियो में देखे जाके हमने क्या गलती की थी,
वो जरूर देखिए जाके, सेम मार्केट आज आपको दिख रही है, बिल्कुल सेम मार्केट है। तो कल की अगर वीडियो आपने देखी होती तो आज आपको प्रॉफिट हुआ होगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। वीडियो कल की देखिए, कल की वीडियो कौन सी मैं बात कर रहा हूं, जैसे अगर हम बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट बात करें, जो हमने कल बात की थी आज हमको वो दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, लेट्स सी। ये कल की वीडियो है, मार्केट ने बहुत अच्छा सिनेरियो बनाया है, लेट्स सी क्या है वो। अगर आप कुछ इस तरीके से देखना चाहेंगे बैंक निफ्टी को, तो इस तरीके से कुछ हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। हालांकि मार्केट इसका रिटेस्ट कर सकता है 42,500 के आसपास, अगर मार्केट हमें कल फॉल देता हुआ नजर आता है और फिर उसके बाद का सिनेरियो में ऊपर की तरफ दिखता है, तो फिर हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 42,500 का, उस ब्रेकआउट में 43,000 पे मार्केट पहुंचा था, जहां से मार्केट एक रिटेस्ट ले सकता था। और आज अगर बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम सिनेरियो बनता हुआ नजर आया, भी मार्केट में दिखाई दिया कि मार्केट ने ब्रेकआउट लिया और मार्केट ने 43,000 को एज अ रेजिस्टेंस काफी तगड़ी तरीके से पकड़ा और मार्केट ने ऑलमोस्ट आपको 42,600 तक रीटेस्ट करता हुआ नजर आया। तो अब आप सिंपल सी एक चीज समझिए, अगर आपने कल ये वीडियो देखी होती, इस वीडियो के हिसाब से आपने ये कॉन्सेप्ट लगाया होता कि कल मार्केट यहां से रिटेस्ट ले सकती है, अगर 43,000 के आसपास आती है तो 42,500 तक रिटेस्ट ले सकते हैं। हालांकि 42,600 तक मार्केट ने रिटेस्ट लिया, 400 पॉइंट्स, क्या वो कम है? कल की वीडियो देखी होती तो ये आज आपको हेल्प हो जाती। जिसने भी हेल्प ली, प्रॉफिट किया, कमेंट करके बताइए। बाकी लोग जो अभी भी ढूंढ रहे हैं कहीं पे कुछ, वो ढूंढते रहे, आप ढूंढते रहिए। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे बहुत सारी एंट्रीज मिली आपको शुरुआत में ही, और ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना। हालांकि सुबह मार्केट में बुलिश मोमेंटम था, यहां पर हमने एक ट्रेड भी लिया था, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने वो वन लॉट वाली वीडियो देखी, आज की जो ट्रेड है वो ट्रेड हमने यहां पर लिया था, एक बुलिश मोमेंटम, क्योंकि मार्केट एक कवर अप कर रही थी तब 18,100 और 150 के आसपास थोड़ा सपोर्ट था, मार्केट कवर अप कर रही थी, फिर धीरे धीरे कॉल राइटर्स और बढ़े, फिर यहां से मार्केट ने फॉल लिया। ये ट्रेड मैं नहीं ले पाया, मैं स्क्रीन पे नहीं था, नहीं तो मैं ये ट्रेड भी आपको लेकर दिखाता उसी में ऐड करके। दोबारा हमने एक ट्रेड उसी में वर्चुअल ली, हालांकि एंट्री हमसे निकल गई, हम जैसे बाय ऑर्डर करने जा रहे थे प्राइस एकदम से निकल गया। जो ट्रेड हमने कहां लिया था एग्जैक्टली, हमने वो ट्रेड यहां लिया था क्योंकि हमको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था वन लॉट से, और हमने ये ट्रेड यहां एग्जिट कर दिया था एग्जैक्टली यहां पे। वो वर्चुअल ट्रेड था, ट्रेड हमने लिया नहीं था, बट हम एनालिसिस कर रहे थे, ये ट्रेड रियल था जो आपने यहां वाला देखा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जाके, आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझने की एक कैपेसिटी आएगी कि मार्केट में कौन सी कैंडल के बाद क्या कैंडल बन सकती है। और उस ट्रेड में मैंने आपको ये भी बोला था कि ये अगर मुझे ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो अगली दो कैंडल कंफर्म, अगली तो कैंडल कंफर्म ग्रीन बननी है और इसी में भी ट्रेड लेना है। तो ये ट्रेड कैंडल बनी थी ग्रीन, उसके बाद भी ग्रीन बनी थी, तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया था वर्चुअल वाले में, और ये वाला ट्रेड तो आपने शायद देख लिया होगा। फिलहाल अभी अगर हम बात करें निफ्टी को वनडे के चार्ट पे, तो वनडे के चार्ट पे यस 18,200 एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर आप वनडे वाली वीडियो, कल वाली वीडियो देखिए जाके, आप जरूर देखिए प्लीज। अगर मैं दिखाऊं अभी आपको, ये कल की वीडियो है जहां हमने निफ्टी के बारे में बात की है, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हमने ये बात की है निफ्टी के बारे में, यहाँ देख लेते हमने क्या बात की थी कि वनडे के चार्ट पे आप देखें तो मार्केट 18,000 के ऊपर दो तीन बार कैंडल दे चुकी है, एक क्लोजिंग में 18,200 के ऊपर मिल जाए तो कुछ ये वाला जो सिनेरियो हमारा बनने वाला था ना, ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी नेक लाइन है, या कॉम्बो कोर्स में पढ़ चुके हैं, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे क्या है कि सिनेरियो अगर 18,200 पर की तरफ ज्यादा देखने को मिल सकता, चांसेस ज्यादा बढ़ते। 18,160 हमने सुबह ऑप्शन चेन में भी देख लिया था, 50 पॉइंट्स में भी देख लिया था कि 150 के बाद थोड़ा खतरा बढ़ सकता है, वहां से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, तो उसी तरीके से हमें मार्केट दिखी भी आज। फिलहाल कल मार्केट अगर हमें बढ़िया गैप अप देती है, जैसे आज गैप अप दिया था, तो होपफुली अगर मार्केट 18,200 के आसपास कहीं ओपन होती हुई नजर आती, दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो 18,200 के ऊपर मींस 250-240 कुछ इस तरीके से ओपन हो सकती है, तो हमें फिर से वेट करना होगा 20-25 मिनट कि क्या मार्केट 18,200 को एज अ सपोर्ट सस्टेन करती है, तो ही हम फर्दर कॉल में जाएंगे, सिर्फ वहां ज्यादा कॉल के लिए नहीं जाएंगे। अगर हमें 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप मिल जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि फर्दर हमें मूवमेंट कम देखने को मिलेगा, तो हम 18,000 पे हम दोबारा यहां तक का सपोर्ट ले सकते हैं, 18,100 तक अपना पहला टारगेट पूरा कर दोबारा पहले आधे घंटे, तो फिर हम पुट में एंट्री का ही बन पॉल लेता है, 50-60 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे ऊपर। अगर मार्केट गैप अप देके डाउनफॉल लेता है, 18,200 को तोड़ता है पहले आधे घंटे, तो फिर हम पुट में एंट्री का ही बना सकते हैं, जिसमें हम दोबारा यहां तक का सपोर्ट ले सकते हैं, 18,100 तक अपना पहला टारगेट पूरा कर सकते। यही बात हमने की थी कि अगर मार्केट 18,200 को रेजिस्ट करती है,
एग्जैक्टली 200 को मार्केट ने रेजिस्ट किया है आज, और हमने कल ये भी देखा था कि 18,100 तक हम पहला अपना टारगेट बना सकते हैं पुट में, और एग्जैक्टली 18,100। तो ये बात अच्छी लग रही हो, वीडियो से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज कमेंट करके जो बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आज ढेर सारे लाइक्स चाहिए, प्रॉफिट्स भी बहुत सारे आप लोगों ने किए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करते चलिए। तो इसी तरीके से सेम कल का सिनेरियो आप अगर हम देखें, आप फिर से ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि अगर मार्केट कर गैप डाउन देती है, क्यों गैप डाउन दे सकती है, पहला ये रीजन है कि भाई गैप डाउन क्यों दे सकती है। तो आप कुछ इस तरीके का ये सिनेरियो देखिए, कुछ इस तरीके से अगर इसको ये सिनेरियो बनाना हुआ तो कल मार्केट आपको गैप डाउन दे सकती है यहां पर कहीं, तो ये रीजन हो सकता है गैप डाउन देने का। अगर मार्केट कल गैप डाउन देती है 18,000 के पास, हमको अलर्ट रहना, अगेन 18,040 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती रहेगी तो ही हम सी के पास जाएंगे, नहीं तो फिर हम पुट में एंट्री बनाएंगे नीचे की तरफ और अपना पहला टारगेट अगेन 18,000 रखेंगे। अगर 18,100 के आसपास कहीं हमें रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया तो पहला टारगेट 18,000 रखेंगे, या 17,980 भी रख सकते, क्योंकि 18,000 अगर तोड़ेगी मार्केट तो 20 पॉइंट नीचे और जाएगी, ये कंफर्म। अगर मार्केट 18,000 के पास ही ओपन होती है तो हमें इसे सपोर्ट की तरह बनता हुआ देखना है कि अगर मार्केट हमें कुछ इस तरीके से दिखाना चाहती है मूवमेंट, क्योंकि ये नेकलाइन है, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा अच्छे से तब तक हमें ऊपर के मूवमेंट्स बड़े देखने को नहीं मिलेंगे और मार्केट कुछ इसी तरीके से रेंज में फंसती हुई नजर आती रहेगी। हालांकि एक तरीके का एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, सेम चीज यहां पर भी हमें देखने को मिला, जैसे बैंक निफ्टी में हमने बात की कि रीटेस्ट हो सकता है, यहां पर भी 18,200 के बाद 18,100 का रीटेस्ट हुआ, यहां पर रीटेस्ट 18,000 का भी हो सकता है, तो कल हमें हो सकता है कि फॉल मिले। अगर गैप अप मिलता है, मान लीजिए आज की तरह कल फिर गैप अप मिलता है तो 18,200 पर अलर्ट हो जाना है, ऊपर की बाइंग हम 18,240 के ऊपर ही करेंगे, 18,200-240 के बीच में वेट करेंगे कि मार्केट सस्टेन कर ले। साथ के साथ ऑप्शन चेन देखेंगे, कल एक्सपायरी भी है, खास ध्यान रखना है, ये मत भूल जाना कि थर्सडे को एक्सपायरी होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने तो सुबह एक बहुत बढ़िया पैटर्न दे दिया था शूटिंग स्टार का, एक अच्छा, और 43,000 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दिख रहा था सुबह, 43,000 के ऊपर वहां से मार्केट ने एक फॉल लिया, उसके बाद तो लगातार फॉल ही ले रही थी, कहीं बीच में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। यहां पे एक ट्रेड बनता था, जिन्होंने भी देखा हो शायद, तो यहां पे एक ट्रेड, कई स्क्रीनशॉट आया मेरे पास, कुछ लोगों ने यहां पर ट्रेड लिया। ये सारे लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ जो 5 मिनट्स के चार्ट पे हैं, जैसे कि आपने देखा यहां पर 18,085 मैंने आपको लेवल दिया था, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम किया, 18,130-175 आपका रेजिस्टेंस की तरह काम किया, जब मार्केट ने ऊपर एक बुलिश मोमेंटम लेने के बाद जब 200 पहुंची मार्केट एग्जैक्टली वहां से रेजिस्ट की, और ये 18,175 ने कंफर्म कर दिया। ये सारे के सारे लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूं, जो भी टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे, फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा, कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है, क्योंकि मैं टिप्स कभी देता ही नहीं, तो अगर ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड चांस भी बना रखे हैं तो वो सब मेरे नहीं है, प्लीज आप लोग ध्यान रखें, फ्रॉड चांस में मत फंसिएगा। आप सिंपल ये देखिए लेवल्स में दे देता हूँ सुबह मॉर्निंग खुलने से पहले मार्केट। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं जहां पे आपको ये फ्री सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स मिले, बाकी वीडियोस भी शेयर करता रहूं, तो फिर आप व्हाट्सएप पर एक हाई लिखकर भेज सकते हैं 7011292963, सिर्फ हाई लिखकर भेज दीजिए, आपको ऑटोमेटिक एक मैसेज आ जाएगा जहां पे आप इस लिंक पे क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं व्हाट्सएप पे क्यों भेजना, ये करना वो करना, जिसको ये सब नहीं करना है प्लीज आप छोड़ दीजिए, चले जाइए कहीं और, मैं आपको सिर्फ सेफ बता रहा हूं, क्योंकि आप यहां जाएंगे सर्च करेंगे ऑप्शंस फॉर टुमारो 20-15 चैनल आ जाएंगे, फ्रॉड किसी में फंस जाएंगे, पेमेंट कर देंगे, फिर मेरे पास रोने आएंगे, इससे अच्छा ये एक सिंपल सा मेथड कर लीजिए कि आप जब इस नंबर पे हाई लिखकर भेजेंगे व्हाट्सएप पे तो ऑटोमेटिक आप में डायरेक्ट वही लिंक चला जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूं मैं, लेकिन कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं जो, तो आप व्हाट्सएप पे एटलीस्ट मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये ज्वाइन नहीं हो पा रहा या कुछ भी, फ्रॉड में फंसने से बच जाएंगे, और कोई मैं पैसा नहीं लूट लूंगा आपके व्हाट्सएप पर, आपकी सेफ्टी के लिए बताता हूं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने लगते हैं ये इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है, अगर करवाना ही तो ऐसे ज्वाइन कर दो, भाई तुम लोग प्लीज यार कहीं और जाके माथा खाया करो। अब चलते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट पे, तो वनडे के चार्ट पे तो हमने देख लिया जो हमने कल की वीडियो में देखा था कि 42,500 का हमें ब्रेकआउट मिल गया है, तो हो सकता है हमें 43,000 से जो है नीचे कहीं हमें रीटेस्ट करता हुआ मार्केट दिख जाए, हालांकि थोड़ा सा गैप है अभी और
42,500 या 450 तक मार्केट आ सकता है अगर गैप डाउन होता है या फॉल होता है तो, और उसके बाद शायद मार्केट हमें सपोर्ट लेती हुई नजर आए। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है अगेन तो फिर हमें कुछ अच्छे बुलिश मोमेंटम देखने को फर्दर मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं और कल एक्सपायरी भी है, उसका भी खास ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी को ज्यादातर आप देखते हैं हमेशा दोनों साइड के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं या फिर मार्केट साइडवेज रहती है। बहुत कम चांसेस, 1% चांस रहता है कि मार्केट सिर्फ किसी एक ही डायरेक्शन में चली जाए। जिस दिन ऐसा होता है उस दिन बहुत रोना होता है मार्केट में, क्योंकि काफी लोग लगातार एवरेज करते चले जाते हैं बट मार्केट वापस नहीं आता। कम चांसेस होते हैं, ज्यादातर चांसेस आपके रहेंगे कि दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ये ज्यादा चांसेस। सेकंड चांस क्या रहता है कि सेलर्स हैं तो सेलर्स को तो रेंज बाउंड में भी फायदा होता है तो वो रेंज बाउंड मार्केट कर देंगे, कोई 50 60 100 पॉइंट के बीच में मार्केट ऊपर नीचे करते रहेंगे। और जो सिनेरियो बहुत कम होता है वो होता है कि एक ही तरफ बुलिश ही चली जाए या फिर नीचे ही चली जाए, ये सीन्स कम होते हैं। होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, सेलर्स को भी होते हैं, रिटेलर को तो खैर होते ही होते हैं। तो इन सब लॉसेस से बचिए और आप चाहें तो कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं आज किन लोगों ने क्या प्रॉफिट्स किए हैं, जल्दी से कवरअप करते हैं। ट्रेडिंग अलॉट का बहुत फायदा हो रहा है लोगों को, कॉम्बो कोर्स का भी फायदा हो रहा है। 567 का इन्होंने प्रॉफिट किया है, ट्रेडिंग अलॉट स्ट्रेटजी इन्होंने यूज की है, वेरी गुड। 733 जय हो, 478 स्मॉल प्रॉफिट बट रेगुलर प्रॉफिट, 125 का प्रॉफिट किया, एक लॉस किया है 192 का। सर स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई एक्सेप्टेड माई लॉस, बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे बेस्ट चीज है कि आप स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते। 1190 का एक अच्छा प्रॉफिट है, 627 बुक 10% ऑल ट्रेड डन स्मॉल स्कैल्पिंग विद ऑप्शन चेन आरएसआई। 4315 का एक अच्छा प्रॉफिट है, थैंक यू सर फॉर लर्निंग आरएसआई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हैप्पी विद ट्रेडिंग अलॉट, परफेक्ट ट्रेड सेटिस्फेक्शन, थैंक्स सर। 155 1215 का एक अच्छा प्रॉफिट है, बी इट एनी पोजिशन सी और पी, इफ वी हैव द थ्रू द नॉलेज वी कैन डू सक्सेसफुल ट्रेड, कीप इट अप सर। 2747 का एक अच्छा ट्रेड है वर्चुअल, 9920 का एक अच्छा प्रॉफिट किया है, सेफली बुक 20% गुड कोर्स नॉलेज पावर। 1050 का एक अच्छा प्रॉफिट, अगेन एक लॉन्ग मैसेज इनका, टुडेज प्रॉफिट सर, आई एम योर कॉम्बो कोर्स स्टूडेंट, व्हाट कैन आई से नाउ, आई एम टेलिंग पीपल एवरी डे एनीवेज जस्ट बाय द कॉम्बो कोर्स वंस, वी हैव टेकन इट एंड यू कैन सी द रिजल्ट एवरी डे सर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक वीडियो ऑन ज़ीरोधा बाइंग एंड सेलिंग ट्रेड ब्रोकरेज रेट एंड व्हाट इज द कैलकुलेशन। सो गाइस लाइक सर वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिल्कुल सर बहुत जल्द ज़ीरोधा पे मास्टर क्लास पूरी आने वाली है, उसमें सब कुछ होगा ज़ीरोधा। 472 का एक अच्छा प्रॉफिट है, ओनली वन लॉट, 500 पावर ऑफ कॉम्बो कोर्स। सर आपसे एक बात दिमाग में उतर रहा है, प्रॉफिट भले छोटा हो मगर लॉस नहीं लेना चाहिए। मैंने कॉम्बो कोर्स परचेज किया, 4 मंथ हो गया है, बाद में आज तक लॉस नहीं किया, बहुत अच्छी बात सर। 604 का एक अच्छा प्रॉफिट है, 2472 थैंक यू वेरी मच ब्रदर, एफटी इज फायर। 371 3516 का एक अच्छा प्रॉफिट है, थैंक यू सर वो मच फॉर द ऑल गाइडेंस एंड एडवाइस। 8606 का एक अच्छा प्रॉफिट है, 462 का एक वर्चुअल ट्रेड है, 9450 ऑलमोस्ट 9500 का एक अच्छा प्रॉफिट है, वेरी गुड। 1938 402 एंड 147 आरएसआई 25 से नीचे आते ही ट्रेड लिया था, ये वही ट्रेड है जो मैंने आपको आज वीडियो में बताया। तो आप इसी तरीके से प्रॉफिट करते रहिए, और जिन लोगों ने भी अभी कोर्स नहीं ज्वाइन किया, करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं पूरा कोर्स, तो वो वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है optionsfortomorrow.com। जैसे वेबसाइट पे विजिट करेंगे आप सिंपल कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पे क्लिक कर सकते हैं, सब कुछ है इसमें, बेसिक से लेके स्ट्रैटेजीज तक, टोटल 13 मॉड्यूल्स हैं, 17 वीडियोस हैं पूरा। आप जैसे आप कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पे क्लिक करेंगे सीधे इस पेमेंट के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर सिंपल अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट का कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन हैं, आप यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी करना चाहें। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होगा आपके, करते ही वैसे ही 3.5 GB फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, वहां लिख के आ जाएगा सेव या फिर डाउनलोड, आप उस पर क्लिक करेंगे फाइल डाउनलोड शुरू हो जाएगी, और पूरी फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा क्योंकि जिप फाइल है, तो आपको सारी वीडियोज एक फोल्डर के अंदर आपको फाइल मैनेजर ऐप मिल जाएंगे। अगर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आता या डाउनलोड हो रहा है बीच में रुक जाता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही, प्लीज मैसेज करिएगा इस पे व्हाट्सएप पे, मैं आपको आगे स्टेप्स बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, जब बीच में रुक गया है कैसे फर्दर करना है, वो सारी चीज बता दूंगा। तो भाई कमेंट करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ट्रेडिंग अलॉट को मिस मत करना, ज़ीरोधा मास्टर क्लास की वीडियो आने वाली है बहुत लंबी। थैंक यू, मिलता हूँ फिर से एक नए कल एक्सपायरी पे, फिर से एक ट्रेड करेंगे, तो ये सारी वीडियोस देखिए, ट्रेडिंग अलॉट को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।